सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। मेरा नाम सतिंदर है, मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे गांव का नाम इब्बन खुरद है, जो कि अमृतसर में स्थित है। आज मैं आप सबके साथ अपने जीवन की बहुत बड़ी टेस्टिमनी शेयर करना चाहती हूँ और उन सब लोगों को मैसेज देना चाहती हूँ जो लोग ये सोचते हैं कि मसीह लोग दूसरे लोगों का धर्म कन्वर्ट करते हैं, और जो लोग मसीहों के ऊपर दोष लगाते हैं कि उनको पैसों का लालच देकर चर्च में लेकर जाते हैं। ये सब गलत बातें हैं, और आज मैं अपने जीवन की गवाही शेयर करूंगी। जैसे जब बचपन में थी, मैं बिल्कुल ठीक थी, और जब थोड़ी मैं बड़ी हुई और मेरे बॉडी में बहुत सारी वीकनेस आ गई, और ऐसे चलते चलते एक दिन ऐसा आया कि मेरे बॉडी बिल्कुल चेंज हो गई। मेरे मुंह का टेस्ट था जो, वो भी बिल्कुल चेंज हो गया, और मुझे कुछ भी मींस लीवर में इतनी प्रॉब्लम हो गई कि मैं कुछ भी खा नहीं सकती थी, कुछ भी मतलब पचता नहीं था मुझे। जब मैं खाती थी तो मुझे लूज मोशन हो जाते थे, मुझे वॉमिटिंग्स आती थी, मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। मेरी बॉडी में हर टाइम पेन रहती थी, जैसे फीवर होता है। और जब ऐसा मेरी बॉडी में होने लगा तो सबसे पहले हम डॉक्टर के पास गए, और जब रिपोर्ट्स करवाई और जब स्कैन भी करवाई तो रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थी। रिपोर्ट्स में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी जो मेरे साथ हो रही थी। मैं मेडिसिन भी ले रही थी तो, लेकिन मेरी मुझे बिल्कुल आराम नहीं मिल रहा था, बिल्कुल पेन से मुझे रिलीफ नहीं मिल रही थी। मेरी हालत और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी, और जब डॉक्टर जब वो रिपोर्ट देखते थे तो मेरा ब्लड भी 12 ग्राम होता था, और वीकनेस मेरे बॉडी में इतनी थी जो मुझे ही पता चलती थी, कोई दूसरा उसे पहचान नहीं सकता था। और मैं इतना रोती थी, अपने पेरेंट्स को बोलती थी कि मुझे इंजेक्शन लगवा दो, मैं जीना नहीं चाहती। मैं बहुत ज़्यादा रोती थी, सारा दिन, पूरा दिन मैं यही सोचती रहती थी कि एकदम अचानक से मैं ठीक थी और मेरे साथ क्या हो गया है। और जब डॉक्टर से भी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, और फिर मैंने अपनी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए तांत्रिक बाबों के पास जाना भी स्टार्ट किया। बहुत गई मैं, लेकिन मुझे कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। मतलब मैंने 40 डेज नंगे पांव जाना स्टार्ट किया वहाँ पे, और जब 40 डेज कंप्लीट हुए तो मैंने डेली वहाँ पे जाना स्टार्ट किया। मैं पूरा दिन वहाँ पे रहती थी, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक वहीं रहती थी कि मेरा भला यहीं से होगा। सालों साल मैं ऐसा करती रही, लेकिन मैं रोए हुए जाती थी और रोए हुए वापस आती थी। मेरा कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था मुझे। मैं बहुत ज़्यादा, और भी मेरी कंडीशन जो ख़राब होती जा रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं सोचती थी कि मीन्स मुझे मौत भी नहीं आ रही थी, मैं सोचती थी कि ऐसे जीने से बेहतर है कि मैं डेड हो जाऊं। और मैंने बहुत बोला अपने पेरेंट्स को कि मुझे ऐसी मेडिसिन ला दो कि मेरी मौत हो जाए, मैं नहीं जीना चाहती हूँ ऐसी हालत में, क्योंकि मुझे ही पता था कि मेरे साथ क्या होता था। मैं रात को सो नहीं पाती थी, मैं कहीं भी नहीं जाती थी, और बहुत ज़्यादा मेरी कंडीशन ख़राब हो गई थी। और फिर जब मैंने वो भी करके देख लिया तो मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, और एक दिन हमारे घर में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आया। और जब भी वो हमारे घर में वो सुसमाचार आया तो मैंने बहुत बुरा रिएक्ट किया, मींस मुझे अच्छा नहीं लगा। और मेरी फैमिली ने बोला कि तुम्हें जाना चाहिए वहाँ पे, लेकिन मैं जाने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी। ये मुझे लेकर गए वहाँ पर, बट मेरा मन बिल्कुल रेडी नहीं था। मैं जाती थी, एक महीना पूरा जाती रही, लेकिन मेरा मन रेडी नहीं हुआ। मैं वचनों को सुनती थी, लेकिन अपने मन में उन्हें लेती नहीं थी, ग्रहण नहीं करती थी। इसलिए मेरा कोई भला नहीं हुआ वहाँ पे भी, क्योंकि मैं सोचती थी कि ये रास्ता मेरे लिए नहीं है। इसलिए मैं वहाँ पर बिल्कुल अपना मन मैंने ओपन नहीं किया। और जब 1 मंथ के बाद मैंने वहाँ पर भी जाना छोड़ दिया, और 6 मंथ मैं फिर ऐसे ही रही, मैंने कहीं भी मतलब वहाँ पे भी जाना छोड़ दिया। और जब 6 मंथ के बाद हमारे एरिए में अपोस्टल सुखपाल राणा जी जो हमारे एरिए में आए, मुझे पता चला कि वो आ रहे हैं, और एकदम से मेरा मन बना कि मुझे वहाँ पे जाना चाहिए। क्योंकि मैंने, अगर मेरा मन नहीं खुला, लेकिन मैंने सोचा, देखा था कि वहाँ पर लोग चंगे होते हैं, मैंने अपनी आँखों से देखा था।
और फिर मैं वहाँ पे गई, और जब सुखपाल राणा जी वचन शेयर कर रहे थे और मैंने वचन को सुना, और एकदम से जब मैंने प्रभु यीशु मसीह के वचनों को ग्रहण किया अपने जीवन में, और मेरा मन एकदम से ओपन हो गया, और जब उन्होंने प्रेयर करनी स्टार्ट की सबके ऊपर, तब मेरे ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, तभी अन्य भाषा मेरे मुख से निकलने लगी, और मेरे मेरी बॉडी को इतनी रिलीफ मिली कि आज से पहले मैं मुझे कभी नहीं मिली थी, जितना भी मैं भटकी मुझे कभी इतनी रिलीफ नहीं मिली जितनी उस दिन मिली। और फिर जब मुझे उस दिन रिलीफ मिली तो उस दिन के बाद मेरी कंडीशन बिल्कुल सुधरने लगी, छोटी छोटी भी प्रॉब्लम थी जो मेरे बॉडी से जाने लगी और मैं बिल्कुल ठीक हो गई, मेरा जीवन बिल्कुल अच्छा हो गया। और फिर उस दिन से मैंने समझ लिया कि यही मेरा प्रभु है और मेरा परमेश्वर है, और फिर मैंने उनके लिए जीना स्टार्ट कर दिया। लेकिन मेरी फैमिली नहीं चल रही थी, क्योंकि उनका वो मुझे लेकर तो गए परमेश्वर के पास, लेकिन उनका मन नहीं ओपन हुआ। और ऐसे चलते चलते जो मेरे पापा थे उनको 30-35 साल से डायबिटीज़ की प्रॉब्लम थी, उनकी मेडिसिन लगातार चल रही थी, वो मेडिसिन के ऊपर ही जी रहे थे, और ऐसे चलते चलते उनकी किडनीज ख़राब हो गई डायबिटीज़ के कारण। जब रिपोर्ट्स करवाई डॉक्टर के मुताबिक, जब रिपोर्ट्स आई तो इनकी किडनीज 90% जो डैमेज हो चुकी थी, ओनली 10% किडनीज थी जो रह गई थी, और इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। पूरा एक वीक मुझे पूरी तरह याद है कि ये बेड के ऊपर लेटे रहे, बिल्कुल खा नहीं रहे थे, कुछ भी पी नहीं रहे थे, हमारे रिलेटिव भी आए हुए थे, सभी ने ये सोचा था कि बस इनका एंड है, अभी कोई सलूशन नहीं है। और फिर डॉक्टर्स के कहने पर हमने डायलिसिस भी करवाए, और 6 डायलिसिस हुए लेकिन कोई भी रिलीफ नहीं मिली, और डॉक्टर ने बोला था कि इनकी किडनीज अभी रिमूव करनी पड़ेगी, और आपको जो आपकी मदर को एक जो किडनी है आप अगर दे सकते हो तो वो देनी पड़ेगी। लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान थी उस टाइम, मीन्स कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, लेकिन ये नहीं चल रहे थे परमेश्वर के साथ, मैं पूरी तरह चल रही थी। मेरी मीटिंग हुई अपोस्टल जी के साथ, जब मीटिंग हुई तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे मेरे पापा ठीक चाहिए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और जब उन्होंने सुना तो मैंने पूछा कि मेरे विश्वास में कोई कमी है, उन्होंने बोला कि नहीं आपके विश्वास में कोई कमी नहीं है, और उन्होंने मुझे वचन दिए और जिन वचनों पर मैंने चलना स्टार्ट किया, और उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें अपनी प्रेयर भी बढ़ानी है। और मैंने 4-4 घंटे पापा के साथ बैठकर प्रेयर करनी स्टार्ट कर दी। इवन उनकी कंडीशन ऐसे थी उस टाइम के वॉशरूम भी अंदर ही करते थे और लैट्रिन भी अंदर ही करते थे, बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी, पूरी रात सो नहीं पाते थे, पूरी इनको सांस की प्रॉब्लम भी हो गई साथ में, ये सांस नहीं ले पाते थे। और सारे हमारे जो रिलेटिव थे उनको यही लग रहा था कि इनका एंड है, लेकिन मैं विश्वास में बनी रही, मुझे पता था कि परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं, उनके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर के द्वारा 4-4 दिनों के मुर्दे भी जिंदा हो गए। और इन वचनों के ऊपर मैंने चलना स्टार्ट किया, और इन वचन को मैंने आगे रखकर प्रेयर करनी स्टार्ट की, और जब मैंने ऐसा किया तो इनकी कंडीशन में सुधार आना स्टार्ट हो गया। और ऐसा हुआ कि हमारे रिलेटिव ये तक बोल रहे थे कि मेरी इंगेजमेंट हुई हुई थी, और मैं हमारे रिलेटिव ये बोल रहे थे कि अब इसकी शादी कर देनी चाहिए इनके जीते हुए, उनको यही लग रहा था कि इनका बस एंड है अभी। जहाँ पर मेरी इंगेजमेंट हुई थी वो मेरे इन लॉज भी इनका इनको देखने के लिए आए थे, वो भी यही सोच रहे थे कि बस अब ये नहीं बचेंगे। और जब मैंने उन वचनों के ऊपर चलना स्टार्ट किया, और जब मैंने अपनी प्रेयर बढ़ाई, अपनी मीन्स वो सारा कुछ मैंने छोड़ दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, सारा जो पाप, जो प्रेरित जी ने मुझे बोला था कि तुम्हें अपना स्वभाव, अपना जीवन बदलना पड़ेगा, और सारा कुछ मैंने बदल दिया। और जब मैंने इनके पास बैठकर 4-4 घंटे प्रार्थना करनी स्टार्ट की, वचन रीड करना स्टार्ट किया, और फिर जो वो काफ़ी दिनों से बेड पर लेटे हुए थे उन्होंने खुद से चलना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने खाना पीना भी स्टार्ट कर दिया, और जो वो
वॉशरूम भी वहाँ पे ही करते थे, अंदर ही लैट्रिन भी, वो भी उन्होंने खुद से बाहर जाना स्टार्ट कर दिया। और इतनी हालत में उनके सुधार आया कि सभी देखकर हैरान हो गए, और हमारे रिलेटिव्स ने भी हमें बोलना स्टार्ट कर दिया कि हाँ, परमेश्वर, आपके परमेश्वर में कोई दम है। और फिर बिना ट्रीटमेंट किए, बिना किडनीज रिमूव किए, जब हमने टेस्ट करवाए तो वो बिल्कुल नॉर्मल आए। 2 साल हो चुके हैं, मेरे पापा बिल्कुल ठीक हैं, उनकी किडनीज को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल अच्छे से जी रहे हैं, बहुत खुशी से जी रहे हैं, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी ट्रीटमेंट के, उनको अब कोई तकलीफ़ नहीं है, वो सब कुछ खा पी भी सकते हैं। कोई मतलब पहले उनको ऐसा था कि कोई हैवी चीज़ नहीं खा सकते थे, वो उनको पचती नहीं थी, लेकिन अब वो सब कुछ खा सकते हैं, उनकी हालत बिल्कुल ठीक है। और हम सब पूरी फैमिली बहुत खुशी से जी रहे हैं और परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। इन सब बातों के लिए मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी का दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अपनी सामर्थ्य को हमारे जीवन में प्रकट किया, हमारी फैमिली में प्रकट किया। और मैं अपोस्टल सुखपाल राणा जी का भी धन्यवाद करती हूँ, जिनके द्वारा परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया और हमने अपने रोगों से शिफा पाई।